अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद रखती हूँ ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम करेंगे कि एयरलाइन में सीट्स कितनी है, यानी हमको एयरलाइन का जो नंबर है वो मालूम है और इसको पता नहीं है कि इसमें कितने एयरलाइन है कि सॉरी कितने सीट है। गाइस, आप सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाद ये बटन दबा दीजिए ताकि आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकेंगे। गाइस, आप एंट्री के लिए ये water/easyqueen w/eq ये हमारे साथ जो है ना वो एंट्री है, फिर नेम की और नेम की के बाद एयरबस हम देखेंगे कि एयरबस हमारे साथ कितने हैं। ये एयरबस है AB3 3 10 3 20 3 30 S 3 32 S 3 42 3 39 3 33 AB6 AB4 3 32 3 34 3 38 3 43 3 44 3 45 3 46 3 47 3 48 3 49 3 50 MD moved down 32 P 32 D 32 A 32 B 350 351 359 359 अब फिर एम डी बस मूव ऑफ। हम ये मालूम करेंगे कि ये 320 वाले एयरबस है, इसमें कितनी सीट्स है। तो इसके लिए w/eq display 320 एंटर। आप ये देखेंगे एयरबस इसमें कितनी सीट्स है, 120 से 180 तक सीट्स है इसमें। आप 312 नंबर इसमें 245 सीट्स है, 380 नंबर इसमें 300 से 474 सीट्स है, यानी 300 से 474 पैसेंजर इसमें जा रहे हैं। इसके बाद हम ये तो एयरबस है, हम बोइंग कैसे बड़ी जस कैसे देंगे, तो इसके लिए वाटर नेम की इजी क्वीन डिस्प्ले बोइंग BOEING बोइंग बोइंग बड़े जहाज है। MD आई यू मूव ऑफ। हम ये 700 ये 75M वाले देखेंगे इजी क्वीन डिस्प्ले 75M इसमें बोइंग 75 MAX कॉम्पैक्ट 178/224 सीट्स 789 इसमें भी 290, यानी इसका मतलब ये है कि एयरबस और बोइंग जहाज दोनों एक है लेकिन सिर्फ नामों में फर्क है। 772 उसमें 285 से 305 सीट्स अवेलेबल। ये था हमारे पास ये वीडियो जो कि आपने सीख ली कि गाइस, हम इसके बाद ये करेंगे कि जब हमने अवेलेबिलिटी ले ली जद्दा को या रियास को और इसमें स्टे होगा, यानी आप देखिए कि 130 अक्टूबर द पेशावर टू रियास क्रॉस इमारट्स
तो एमिरेट्स का स्टे दुबई में है, दुबई में होगा एमिरेट्स का स्टे, पिशावर दुबई, दुबई रियाज। हम ये देखेंगे कि हम दुबई में नहीं बहरीन में स्टे करेंगे, तो हम दोबारा अवेलेबिलिटी लेने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास है बहरीन, तो बहरीन का कोड लिखे 1, बहरीन का कोड, तो सीधा ये चेंज होगा। नहीं सॉरी गाइस, पहले हम अवेलेबिलिटी लेंगे पेशावर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ये है डायरेक्ट पी आई पिशावर रियाज। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम दुबई में स्टे करेंगे, तो हम इधर की अवेलेबिलिटी लिखेंगे कि दुबई में स्टे करेंगे और फिर रियाज जाएंगे। नहीं ये नहीं, हम एक क्लिक करके DXB दुबई का कोड लिख करके दुबई में स्टे करेंगे। तो आप ये देखिए पिशावर दुबई और दुबई रियाज। अगर हम ये नहीं कि बहरीन में स्टे करेंगे, 2-1 BAH बहरीन, तो आप देखिए कि पिशावर दुबई, दुबई बहरीन, बहरीन रियाज। अगर हम नहीं कि कुवैत में स्टे करेंगे, तो KWY पिशावर दुबई, दुबई कुवैत, कुवैत रियाज। गाइस ये था हमारे साथ सिटी चेंजिंग का कोड। अगर हम ये चाहते हैं कि हम पिशावर से नहीं, पिशावर दुबई, दुबई कुवैत, कुवैत रियाज, अगर हम ये चाहते हैं कि हम दुबई पिशावर से नहीं इस्लामाबाद से जाएंगे, तो इस्लामाबाद के लिए ये लिखेंगे 1 display DISB IP। देख लो इस्लामाबाद जद्दा, जद्दा कुवैत, कुवैत रियाज। हमने इधर ये कुवैत क्यों आई, ये कुवैत हम इधर लिखे, इसके बाद हमने कोई भी सिटी नहीं लिखा, इसलिए कुवैत, इसलिए इस्लामाबाद जद्दा, जद्दा कुवैत, कुवैत रियाज आए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि हम इस्लामाबाद से भी नहीं लाहौर से जाएंगे, तो लाहौर के लिए 1 display DLHE। तो आप ये देखें कि लाहौर दुबई, दुबई कुवैत, कुवैत रियाज। आपने ये भी सीखनी, अगर आप ये नहीं चाहते कि हम ये पी आई ए ओके, हम PAP नहीं एमिरेट्स पे जाएंगे, तो आप ये कैसे चेंज करेंगे, 1 change EK। आपने देख ली कि EK हमारे पास दुबई, दो लाहौर से EK नहीं है, तो हम 1 display DISB करेंगे। क्या ISB क्या करते हैं, 1 change EK। आपने देख ली कि JEP चेंज हुआ, इस्लामाबाद बहरीन, बहरीन रियाज। हम ये कुवैत को चेंज करेंगे, तो 1 change कुवैत नहीं, एतिहाद। आपने देख ली एतिहाद इस्लामाबाद अबू धाबी, अबू धाबी रियाज। 1 change EK, क्या EK आई है, आते हैं, हाँ ये EK भी आई, 1 change की KU कुवैत एयरवेज, वो भी कुवैत एयरवेज भी आई। गाइस
आज हम सेगमेंट आज हमने ये कर ली, और इंशाल्लाह अगले क्लास में हम करेंगे कि हम चार या पांच सेगमेंट यानी पांच जगह, पेशावर, दुबई, दुबई रियाज, रियाज हैदरो, हैदरो कतर, कतर दुबई, और दुबई फिर पेशावर। तो ये सारे सेगमेंट तकरीबन 7-8 आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये 7-8 जो आते हैं इसका किराया कितना है सबका, और पहला दूसरा का किराया कितना है, तीसरा और चौथा का किराया कितना है, पहला और पांचवा का किराया कितना है, दो और छठा का किराया कितना है, ये सब हम इंशाल्लाह अगले क्लास में करेंगे। लेकिन आप ये काम जो है ये मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी काम है, ये आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको हाथ देंगे। गाइस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। वसलाम।